भगवान की, ओ शंकर भगवान की, ओ शंकर भगवान की। यात्रा शुरू हो गई है और गोरीकुट के लिए जा रहे हैं हम। धाम के लिए पैदल मार्च करने के लिए तैयारी हो चुकी है और हम निकल रहे हैं केदारनाथ पैदल करते हैं। भैया कुछ कहना चाहोगे? आप इतनी मेहनत करते हो कुछ? वो यहाँ से आई थी तो ये रास्ता क्रॉस करके बंद कर दिया। अब वो रास्ता इधर से चालू करा, इधर से वो रास्ता यहाँ से जाता है, उससे घूमते जाता है। अरे महादेव, अभी पता लगा है ये 6 किलोमीटर और है, शॉर्टकट से भी 6 किलोमीटर है। बाबा कहाँ छिपके बैठे हो? क्या बोले कि भोले बाबा के दर्शन हो गए हैं, फाइनली भोले बाबा के दर्शन हो गए हैं। रात के 2 बज रहे हैं और चढ़ाई शुरू कर दी हमने और अब जाएंगे हम गोरीकुंड और गोरीकुंड से हमारी यात्रा शुरू होगी। ओ शंकर भगवान की जय। यात्रा शुरू हो गई है और गोरीकुंड के लिए जा रहे हैं हम अपने भाई लोग। म्याऊ का म्याऊ बोले, धर्म बोला, एरा टिम्पी बोला, यश बोला, बोले बोले यार रात में यात्रा करवा दी तुम। बोले कैसी यात्रा हो रही है भाई? एक नंबर की है, बहुत आनंद। रात के 2 बजे हम निकल चुके हैं। हाँ, नीचे ये देखो बोले बाहर की जय, महाराज की जय। पैदल मार्ग केदारनाथ धाम के लिए पैदल मार्च करने के लिए तैयारी हो चुकी है और हम निकल रहे हैं केदारनाथ पैदल मार्च। भाई यात्रा शुरू हो चुकी है मगर खच्चरों का हिसाब किताब बहुत खराब लग रहा है मुझे। आओ थोड़ा देख के आओ क्योंकि अभी 2-3 बार मेरी टक्कर हो चुकी है इनसे। वो नीचे खड्डे इतने हैं पूछो मत। अगर भोले बाबा का नाम ले रहे हो चलते रह रहे और बाबा की पूर्ण कृपा है हमारे ऊपर। यात्रा शुरू हो गई है और हमारे ये भोले भी रेस्ट ले रहे हैं। भोले कैसी यात्रा बता दो भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खच्चर कैसे है यहाँ पे बता दो? बहुत सारे हैं, बहुत सारे, बहुत सारे है। खच्चर ही खच्चर है भाई। कुछ कहना चाहोगे भाई? ये भाई हमारे हरियाणा से है। चलो भाई अभी हम रेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे। हम 4 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और यहाँ पे आगे हम क्या करते हैं? डिब्बी बोला तो थक गया, डिब्बी बोला नहीं वो निकू बोला। कोई नहीं, ये हमारे बच्चा पाल किए ऐसे ले आते बच्चों को, बहुत हिम्मत की बात है यार इनकी। वक्त चलते हुए हमें 7 किलोमीटर हो गया और हालत इतनी खराब हो गई है। साथ में हमारे भोले निप्पू बोला और अपना ये भोले भोले कैसी थकान कैसी हो रही है? तो खतरनाक है भाई साहब। और ये झील दिखाते हैं आपको ये किसी अभी आगे थोड़ा आगे कैमरा करके दिखाएंगे।
थकान बहुत हो चुकी है। 7 किलोमीटर में ऐसा लग रहा है कि बदन टूट गया पूरा का पूरा, मगर भाइयों का साथ है, भाई ने मेरा बैग ले लिया है। भाई 9 किलोमीटर रह गया है और रामवाड़ा अभी वहाँ पे लिखा था 5 किलोमीटर, भोले बाबा की चढ़ाई। अब पावर आ चुकी है शरीर के अंदर, इतना चिल्ड पानी, इतना चलने के बाद फिर दोबारा। अभी बोल रहा था वो बंदा 10 किलोमीटर, अब वो किसी और से बात करी वो कह रहा है 13 किलोमीटर। सीन ही सीन है भाई, कभी बोल रहे 10 किलोमीटर रह गया, कभी बोल रहे 12 किलोमीटर रह गया। भाई सच बताऊँ तो 15 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं रहा, हालत बिगड़ चुकी है। 2016 में जो परले आई थी वो यहीं से आई थी यहाँ से, और अब जो रास्ता बंद करके नया रास्ता जो पुल बना के जो गया है वो यहाँ से क्या है। हमारे भैया बड़ी मेहनत करते हैं, भैया कुछ कहना चाहोगे? अरे बोल, आप इतनी मेहनत करते हो कुछ? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल सलूट है सर आपको। अरे बाबा की नगरी में ये देखो, ये भाई को देखो, ये हमारे आसिफ भाई, हालत खराब हो चुकी है। और अभी भी उनसे पूछा तो हमने, तो उन्होंने वही बोला कि 8 किलोमीटर, और जो बंदा बोल रहा था ठीक बोल रहा था, 8 किलोमीटर है। और हम अभी 10 बजे है और 1 बजे तक पहुंच जाएंगे बाबा के मंदिर में। हर महादेव, अभी पता लगा है ये 6 किलोमीटर और है, शॉर्टकट से भी 6 किलोमीटर है। बाबा हाँ छिपके बैठे हो, दे दो दर्शन हमें। 6 किलोमीटर और है, 2.5 घंटे का रास्ता और है। बाबा तोड़ के मानेंगे हमें आज, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट अपडेट आपको वीडियो में मिल जाएगी जब पहुंचने वाले होंगे। हर महादेव, हर हर महादेव। बस 2.5 किलोमीटर रह गया है बाबा की नगरी, अभी भी 2.5 किलोमीटर। चलो बाबा का आशीर्वाद है। हर हर महादेव, बस पहुंचने वाले हैं, 2.5 किलोमीटर हो रहा है, बाबा के दर्शन होने वाले हैं। हर हर महादेव, बस अब भोले बाबा के दर्शन होने वाले हैं, लाइन में लग रहे हैं और बस थोड़ा ही टाइम रह गया है भोले बाबा के दर्शन के लिए। ये हमारे बंदे बस थोड़ी देर में भोले बाबा के दर्शन हो जाएंगे और आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे भोले बाबा की, बस थोड़ी ही देर, 1 घंटे में भोले बाबा की लाइन में लगे हुए हैं। कुछ ही टाइम बाद बाबा के दर्शन होंगे, बस अराउंड 1 घंटे बाद। देखो भीड़ देखो, मंदिर बहुत लंबी लाइन है, ये मंदिर बहुत आगे है, बस दर्शन होने वाले हैं और कुछ ही टाइम बाद बाबा के दर्शन हो जाएंगे। बस कुछ टाइम बाद भोले बाबा के दर्शन होने वाले हैं, लाइन में लगे हुए हैं। हर महादेव, यात्रा सफल होने वाली है, महादेव के दर्शन होने वाले हैं। पैसे दे रहे हैं।
की, ओ शंकर भगवान की। भोले बाबा के दर्शन कर लो महादेव, बस कुछ टाइम बाद ही बाबा के दर्शन होंगे। बाबा के स्थान पे पहुंच चुके हैं, बस कुछ टाइम बाद बाबा के दर्शन। बस भोले बाबा के दर्शन के लिए निकल रहे हैं, बस कुछ टाइम, 5 सेकंड में ही, 5 मिनट के अंदर ही हमें दर्शन हो जाएंगे। देखो किसके साथ थे भैया? बस भोले बाबा के दर्शन होने वाले हैं। फौजी को बुलाइए। बस भोले बाबा के दर्शन होने वाले हैं भैया, उसके बाद आपको दिखाते हैं मंदिर से बाहर का दृश्य। लाइन में घुस रहे हैं यार। क्या भोले बाबा और महादेव पर दर्शन होने वाले, गेट पे खड़े हैं। इनको बोले धर्म बोले या ऐसे, ये देखो मंदिर, देखो बाहर निकल के आपको दिखाते हैं। जय श्री केदार। तो आप लोग सभी श्री केदार बाबा के दर्शन कर सकते हो और अपनी अपनी विषय मांग सकते हो। जय श्री केदार। बिल्कुल गेट पे खड़े बाबा के दर्शन। भाई सब जितने बंदे हमारे आए, भाई सबकी मनोकामना पूरी हुए। जो दास रहा भोले बाबा का, कोई दिक्कत नहीं। भोले बाबा के दर्शन हो गए हैं, फाइनली भोले बाबा के दर्शन हो गए हैं। जय श्री केदार। तो आप लोग सब दर्शन कर सकते हो केदार बाबा के ज्योतिर्लिंग के और अपने अपने विशेष मांग सकते हो। जय श्री केदार। हर हर महादेव। भोले के दर्शन हो चुके हैं और जो रूह को सुकून मिली है ना, उसको बता नहीं सकती। बहुत अच्छे दर्शन हुए भोले के, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फाइनली भोले बाबा के दर्शन हो गए हैं और हमारे सारे भोले हैं ये, हमारे ये भोले हमारे वाले बोले। बोले बाबा दर्शन सही हो गए? बोले बहुत बढ़िया, बड़ा भाई लिपू। बोले दर्शन बढ़िया हो गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दर्शन ही हमारे भाई। ये देखो बहुत भीड़ है बाबा के दर्शन, इतने बढ़िया दर्शन हुए ना। अभी पीछे आपको दिखाएंगे जो 2016 में जो आपदा आई थी, जो मंदिर बचा था जिस पत्थर से, वो दिखाएंगे आपको। और बहुत रस है, बहुत रस है। यात्रा बहुत सफल हो गई बाबा के दर्शन करते ही। जो ठंड लग रही थी, जो सर में दर्द हो रहा था, मतलब अनलिमिटेड सारा कुछ हो गया। हर महादेव। यात्रा एकदम सफल रही, बहुत अच्छी रही। कठिनाई सी यात्रा में, थोड़ी बहुत परेशानी थी, मगर बाबा के दर्शन आके वो सारी की सारी मिल गई। जैसे कि आपको बताया था पहले, ये शंकराचार्य जिन्होंने केदारनाथ मंदिर की स्थापना करी थी, ये बाबा है। चश्मा निकाल दे, चश्मा निकाल दे। छोटा ये है बाबा हमारे, इन्होंने केदारनाथ मंदिर की स्थापना करी थी शंकराचार्य भगवान की। हर महादेव। ये बैठे हैं सारे हमारे योगी जी। ये केदारनाथ से थोड़ा सा आगे है, सारे ऊपर दर्शन कर रहे। एक तरह से परिक्रमा ही करी है मैंने। बाकी सारे हमारे भोले उस साइड खड़े हैं। ये रे बाबा, रेड कलर का घर दिखाई दे रहा है, इसके साथ एक गुफा है। यहीं पे हमारे मोदी जी ने तपस्या करी थी, ये वही जगह है। जय श्री केदार। मेरा सपना पूरा हुआ, मुझे केदार बाबा के दर्शन हुए। आप लोगों के सामने मैंने ब्लॉग बना के आप लोगों को भी दर्शन करवाए। दर्शन बहुत अच्छे हुए मुझे और आप लोगों को भी मैंने दर्शन करवाए। वीडियो कैसी लगती है एक बार जरूर आप जय श्री केदार कमेंट में जरूर लिखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और ऐसे ही मेरे ब्लॉग आते रहेंगे। जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार।